हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव विल। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल का 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर वन इज, राग सारंग गाया जाता है वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में। तो द करेक्ट आंसर इज बसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए ये बंदिश किस गायक द्वारा गाई गई है? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, छपेली नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? छपेली नृत्य कुमायूं का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला की बद्दी किस पशु के चमड़े से बनती है? सो द राइट आंसर इज ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? चित्रा वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख नारद जी ने किया। कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा है क्या? पहले गाने की परंपरा है जाति स्वरम। दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? दुर्गा प्रसाद के पिता का नाम सवाई महाराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो गुरु हैं वो हैं वेम्पति चिंतसत्यम। सदारंग का असली नाम क्या है? सदारंग का असली नाम नियामत खां है। आधुनिक कोमल गा को रामा मात ने क्या नाम दिया है? तो द राइट आंसर इज अंतरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की कितनी श्रुति है? द राइट आंसर इज 4। कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? सी का राइट आंसर 7। 13, मोंगूबाई कुड़ीकर का जन्म दिवस कब है? 13 का ए 15 जुलाई 1904। मत कोकिला वीड़ा में कुल तार होते हैं, क्या है तारों की संख्या? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 21। संगीत कला निधि के रचयिता कौन हैं? संगीत कला निधि के रचयिता हैं रामा मात्य। स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? 21। झिझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहार का। तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? किनारे का बाज या किनार। तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम किनार का बाज या किनारे का बाज। स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? स्वतंत्र वादन में सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं उठान या फिर पेशकार। पेशकार भी कर सकते हैं, उठान भी कर सकते हैं, वैसे उठान यहाँ पर करेक्ट है। तबले के कितने प्राण हैं? तो तबले के 10 प्राण हैं। यदि तीन ताल की बंदिश सातवीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? मुखड़ा होगा 6ठी मात्रा का। तबले के आविष्कारक कौन हैं? तबले के आविष्कारक के बारे में हमने बात की है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अमीर खुसरो जी तबले के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? द राइट आंसर इज 3। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो सितार में बाज का तार मंद्र और मध्य में मिलाया जाता है। तबले में कितने गट्टे होते हैं? 8। शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? शिखर ताल में जो विभाग होते हैं, कितने विभाग होते हैं शिखर ताल में? 4। किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? तीन ताल में होती है ना 16 मात्राएं, तो यहाँ पर बताइए ऑप्शन क्या होगा? पंजाबी तीन ताल हम बोल सकते हैं। दोनों निषादों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? मियां मल्हार। देशी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से होते हैं? रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। लावणी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो लावणी में कहरवा ताल का प्रयोग होता है। किस घराने में ना धिन धिन ना बोल बजाया जाता है? अजराड़ा। सूत की क्रिया किस वाद्य पर होती है? सूत की क्रिया जो होती है वो बैंजो पर होती है। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को अंतर्गंधार के नाम से जानते हैं। ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? ललित कलाओं में संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से नाम बताएंगे?
चार प्रकार के अगर होते हैं तो, तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ताल का किससे संबंध है? ताल का संबंध है न्यास से। ताल में निम्नलिखित में क्या प्रयुक्त होता है? तो ताल में जो प्रयुक्त होता है, इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको शो नहीं हो पा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगी। चलिए 38 पर आइए। ख्याल अंग की ताल कौन सी है? ख्याल अंग की जो ताल है वो झूमरा। तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तो तबला तरंग जो है वो अवनद्य वाद्य में आता है। सप्तध्यायी किसे कहते हैं? सप्तध्यायी कहते हैं संगीत रत्नाकर को। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। भातखंडे पेशे से क्या थे? भातखंडे पेशे से वकील थे। अभी हमने जब उनका एक शॉर्ट बायोग्राफी देखा था ना पिछली वीडियो में, उन्होंने LLB भी किया था। किस किस ईयर किया था, ध्यान रखिएगा ये चीज़। राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो राग खमाज जो है वो ठुमरी के लिए ज़्यादातर उपयुक्त होता है। तीव्र मध्यम स्वर वाला राग कौन सा है? ऐसा कौन सा राग है जिसमें तीव्र मध्यम का यूज़ होता है? हम जानते हैं यमन राग में होता है। सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं? सदा सुहागिन जो है वो भैरवी राग को कहते हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? तो पंडित विनायक राव पटवर्धन जो थे वो विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। सानी धापा गा किस राग का घोतक है? इसका सही आंसर होगा शुद्ध कल्याण। तानसेन की गायकी का नाम क्या है? तो तानसेन की गायकी का नाम है ध्रुपद। तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम क्या है? तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम गुलाम अली। रे सा धानी सा किस राग का अंश है? तो करेक्ट आंसर विल बी अलाना। हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत गाया जाता है नवाबों की हवेलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमीर खां प्राय किस ताल में गाते थे? तो एक ताल में। संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार की होती हैं? वैसे तो 15 होती हैं ना, लेकिन संगीत रत्नाकर में 16 बताए गए हैं। षड्ज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर है? तो करेक्ट आंसर इज 30। बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? बड़े गुलाम अली जो थे वो पटियाला घराने से थे। इचलंकर जी कर किसके गुरु थे? कल ही हमने ये चीज़ पढ़ी है, विष्णु दिगंबर जी के, है ना, विष्णु दिगंबर जी के थे या भातखंडे जी के थे? इचलंकर जी विष्णु दिगंबर पुलस्कर या विष्णु नारायण भातखंडे? रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज पश्चिम। गंधार का संवादी स्वर क्या है? गंधार का संवादी स्वर नी। गंधार का संवादी स्वर। राग खमाज का वादी स्वर क्या है? ये क्वेश्चन गलत है, गंधार वाला ही 58 वाला जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। चलिए 59। राग खमाज का वादी स्वर क्या है? राग खमाज का वादी स्वर गा। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? तो अलाउद्दीन खां जो है वो मैहर में रहते थे। नाधी धीना किस ताल का अंश है? आड़ा चार ताल। विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? वीड़ा से। जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है? अल्लाह रखा खां। भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? भैरव सहाय जो थे वो वाराणसी के थे। तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तिलवाड़ा ताल में बड़ा ख्याल ज़्यादातर, वैसे तो एक ताल में गाया जाता है, तिलवाड़ा भी यूज़ हो सकता है। ध्रुपद में तो हमें पता है चार ताल यूज़ करते हैं, ठीक है। आचार्य KC D बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? संगीत रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी? इनमें से कौन थी वो? सिद्धेश्वरी देवी। नेक्स्ट आते हैं, अनुराधा तबला वादिका किसकी शिष्या थी? राइट आंसर इज किशन महाराज जी की। धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है? मृदंगम। का राइट आंसर मृदंगम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो है वो जालंधर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? पंडित जसराज को, पंडित मणिप्रसाद को, पंडित जगदीश प्रसाद को या फिर पंडित भीमसेन जोशी को?
तो पंडित भीमसेन जोशी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संगीत में कुल स्वर कितने हैं? 12 स्वर हैं, जानते ही हम। उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी 5। वैदिक काल में साम गान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? तो वैदिक काल में जो स्वर प्रयुक्त होते थे वो 3 थे। द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना थी? तो शारंगदेव की। भरतकृत नाट्यशास्त्र का रचनाकाल क्या है? भरतकृत नाट्यशास्त्र का जो रचनाकाल है 5वीं शताब्दी माना जाता है। षड्ज में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? षड्ज में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो इसका आंसर होगा 6। संगीत का मुख्य आधार क्या है? ध्वनि, ताल। और संगीत चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन समान है? शब्द। सारंगी इस राजवाद किसको बजाया जाता है? दैट इज गज। संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? दिल्ली में है। गमक के कुल प्रकार कितने हैं? 15 प्रकार हैं गमक के। सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? सितार में अनुनाद के लिए जोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण पद्धति का तिल्लाना किसके समान है? दक्षिण पद्धति का तल्लाना तराना के समान है। अर्धदशक स्वर कहा जाता है शुद्ध माँ को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रातःगेय राग है? प्रातःकालीन जो राग गाया जाता है वो कौन सा राग है? दैट इज देशकार। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? ये आपको नेम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो मिश्र बंधु ध्रुपद गायक है। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? सितार वादक पहचानना है, अलाउद्दीन खां भी हो सकते हैं। हाँ, अलाउद्दीन खां हैं। राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः क्या हो किसे कहते हैं या क्या है? राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किन राग में होता है? क्वेश्चन इज दैट। तो आंसर इज भूपाली और कल्याण। झपताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द करेक्ट आंसर विल बी आड़। फरोजताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 14। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम बताइए। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम है अलाउद्दीन खां, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक काफी थाट का राग है, कौन सा है वो? तो बागेश्वरी काफी थाट का राग है। राग मुल्तानी किस जाति का राग है? तो राग मुल्तानी जो है वो औरव संपूर्ण जाति का राग है। निम्नलिखित में से एक खुले बोल की ताल बताइए, तो वो है सूल ताल। निम्नलिखित में एक ऋतुकालीन राग है, तो वो है मियां मल्हार। सभी कोमल स्वरयुक्त राग कौन सा है? तो दैट इज भैरवी, उसमें सभी कोमल स्वरों का यूज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, रागांगों की कुल संख्या कितनी है? रागांगों की कुल संख्या है 19। राग केदार में वादी और संवादी स्वर आपको बताने हैं, इसमें राग केदार के, तो आंसर इज मा और सा। भूपाली राग का आरोही क्या है? भूपाली राग का जो आरोही है वो ये सारे गा पा धा सा है। संतूर वादक को आपको पहचाना है, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? तो परमेल प्रवेशक राग है जय जयवंती। वर्जित स्वर पा वाला राग निम्नलिखित में से कौन सा है? पा हम जानते हैं कि मालकोश राग में यूज नहीं होता है। क्रमिक पुस्तक मल्लिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। यमन राग का संवादी स्वर क्या है? यमन राग का संवादी स्वर आपको पहचानना है, नी है। 7 स्वर लगने वाले राग को क्या कहते हैं? संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? स्थाई है अंतरा, जाहिर सी बात है अंतरा बोलते हैं। सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम क्या है? सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम है इनायत खां। भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा? तो द करेक्ट आंसर इज बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। केलोचरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं? तो ओडिसी नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो खाली युक्त ताल का नाम बताइए। दो ताली या दो खाली युक्त ताल का नाम क्या है? तो दैट इज चौताल। पंडित भीमसेन जोशी का घराना बताइए। पंडित भीमसेन जोशी का घराना है किराना घराना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल में सबसे लोकप्रिय है? दैट इज कुचिपुड़ी। उसके बाद अमजद अली खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? अमजद अली खान जो है वो सरोद के लिए फेमस है। निम्नलिखित में विषमपदी ताल कौन सी है? तो विषमपदी ताल है छपताल। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया? तो दैट इज सरोद।
संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? आपको ईयर बताना है, तो ईयर होगा वर्ष 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इम्फाल में। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी? दिस इज अ बुक, राजा रेड्डी ने लिखी है। और रागमाल कोश किस समय गाया जाता है? गायन समय पूछ रहे हैं, रात्रि का तृतीय पहर। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? दैट इज 2001। श्री राघवन नायर नर्तक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली के। इमदाद खां की वादन शैली किस अंग पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गत्तत्तोड़ा। और ताल विभागों को क्या कहते हैं? विभाग ही बोलते हैं। तो दिस इज़ अ 2010 प्रीवियस ईयर पेपर, आप देख सकते हैं कि इनमें से कैसे क्वेश्चन आए हैं, और आई थिंक इट विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइज़।